क्या आपने कोई ऐसा झींगा देखा है जो आप पर गन की तरह फायर कर दे, या फिर वो छोटा सा जीव जो पानी पर खेल के मैदान की तरह दौड़ता चला जाता है, वो भी 5 फुट प्रति सेकंड की रफ्तार से? देखा है आपने ऐसा जीव? नहीं ना, हम दिखाएंगे आपको ऐसे खतरनाक जीव जो बात बात में आपको झटके देंगे। बस देखते रहिए आखिर तक, क्योंकि अब आपको हैरत भी होने वाली है और मजा भी आने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली किसी वीडियो से आप मिस न हो पाए। वापस सम एनिमल, ये एक डरपोक किस्म का जीव है। इसे अपने आसपास का माहौल भी मानो दुश्मन की तरह लगता है। यही वजह है कि अपने आप को असुरक्षित और भयभीत महसूस करता है। मगर इस डरपोक जीव में गजब की काबिलियत है। ये कोई भी खतरा महसूस होने पर तुरंत मरने का नाटक करता है, यानी बिल्कुल लुंजपुंज हो जाता है और इसे मरा समझ के दुश्मन छोड़ देता है। पर आप कभी ऐसा मत करिएगा प्लीज, क्योंकि ये बात सिर्फ इन्हीं पर लागू है। ओपोसम को कुदरत ने एक नायाब चीज दे रखी है, वो ये कि इस पर किसी भी सांप या जहरीले जानवर कीड़े मकोड़े के काटने का कोई असर नहीं होता, यानी कि इस पर जहर का कोई असर नहीं होता। दरअसल इसके शरीर में एक लिथोटॉक्सिन न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर नाम का एक प्रोटीन होता है जो हर तरह के जहर को बेअसर कर देता है। टेलफिश, ये मछली अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी सचेत मानी जाती है। एक नजर में ये आपको किसी और ग्रह से आई हुई प्राणी दिखेगी। इस मछली की सबसे खास बात यह है कि धरती पर विचरते तमाम अद्भुत जीवों में इसकी त्वचा सबसे अलग हटके है। इसकी त्वचा किसी भी रंग और आकार में परिवर्तित हो जाती है, यानी ये तो गिरगिट की भी नानी निकली। ये इतने सारे रंग और आकार कैसे बदल लेती है? दरअसल इनकी त्वचा में कुछ खास किस्म के स्किन सेल्स होते हैं। इन्हीं सेल्स की हेल्प से ये किसी भी तरह का रंग रूप धारण कर लेती है, यानी वो दुश्मन हो या दोस्त, उसी के रंग में रंग जाती है। और तो और, रेत होगी तो रेत जैसे, जिस कलर के समुद्री पेड़ पौधे उस कलर की ये। शॉर्टकट में कहें तो ये हर तरह में ढल जाती है। पिस्टल श्रिम्प, फ्रेंड्स ये अपने नाम के हिसाब से आक्रामक जीव है। ये झींगे की एक प्रजाति है। इसका नाम पिस्टल है, पर सुनाई पिस्तौल देता है। और यार ये झींगा है या जेम्स बॉन्ड 007, क्योंकि ये अपने पंजों से ही जेम्स बॉन्ड की पिस्टल की तरह काम लेता है। यानी कि अपनी जान बचाने या दुश्मन पे हमले करने के वक्त अपने पंजों को इतनी तेजी और सख्ती से बंद करता है कि पानी में तेज धार के साथ एक दबाव बनता है जिसका तापमान 4000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक खतरनाक एनर्जी और पावरफुल साउंड के साथ एक लाइट पैदा होती है जो कि एक पिस्तौल ही की तरह काम करती है। अपने दुश्मन पे वार करने का इससे सही तरीका और क्या सकता है? आपको बता दें कि इसके एक ही वार से इसका दुश्मन धराशायी हो जाता है। यार इतना खतरनाक वार हमने मार्शल आर्ट में भी देखा है। बी बीटल, फ्रेंड्स ये नन्ना सा जीव आपको अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया में हर जगह मिलेगा। इन्हें सिर्फ गर्म जगहों पर ही रहना पसंद है। ये नमी वाले जगहों पर ही अंडे देते हैं। लेकिन दोस्तों, शांत सा दिखने वाला ये नन्ना सजीव है बहुत खतरनाक। ये किसी भी हमले से बचने के लिए अपने दुश्मन पे आर्मी मैन की तरह केमिकल स्प्रे कर देता है। इस केमिकल का तापमान लगभग 100 डिग्री तक होता है, यानी कि इस जहरीले स्प्रे से आदमी निपट सकता है। अब निपटने का मतलब तो आपको मालूम ही है। आपको बता दें कि ये स्प्रे केमिकल इस जीव के पेट में बनता है। मजे की बात तो ये है कि ये छोटू बिटल अपना गन स्प्रे हर दिशा में कर सकता है, मतलब अपने बॉर्डर के लिए काम का है। बी इसलीज लिजर्ड, फ्रेंड्स ये छिपकली छिपकलियों की प्रजाति की एक छिपकली है। अमेरिका में पाई जाने वाली एक बड़ी अनोखी छिपकली है। इसकी लंबी पूंछ और पीठ पे उभरे शैल विशेष किस्म के होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये छिपकली पानी पे दौड़ सकती है, वो भी 5 फीट प्रति सेकंड के हिसाब से। हुई ना हैरानी, खतरे का आभास होते ये छिपकली अपने पिछले पैरों और पूंछ की हेल्प से पानी पर आसानी से दौड़ जाती है। इसकी वजह यह है कि ये छिपकली पानी की सतह पर तेजी से दौड़ती है, यानी अपने पैरों को इतनी स्पीड में रखती है कि पानी की सतह पर तारतम्य टूटने से पहले ही ये आगे बढ़ चुकी होती है। और हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, इस छिपकली को जीसस क्राइस्ट लिजर्ड भी कहा जाता है। ये नाम इसे क्यों दिया गया ये आप सोचिए। अल्पाइन इबेक्स गोट, ये अपने मोहल्ले का बकरा नहीं है भाई, ये अल्पाइन इबेक्स गोट है जिसकी लंबाई 150-170 सेंटीमीटर तक होती है। इस जबरू मतलब अल्पाइन गोट के वजन की बात करें तो इसका वजन 67 किलो से लेकर 117 किलो होता है। अब इनके करतूत की बात कर लो तो अल्पाइन गोट पथरीली और वो भी खड़ी चट्टानों पे अपनी मकड़ी मानव की तरह चढ़ जाता है। अब पूछो मकड़ी मानव कौन? अरे मकड़ी मानव यानी अपना रस्सियां फेंकने वाला स्पाइडरमैन।
अब देखिए ना, अल्पाइन गोट 80 से लेकर 90 डिग्री तक की खड़ी चट्टानों पे अपने चारों टांगों की मजबूती से चढ़ जाते हैं। ये इनका सारे दिन का कर्तव्य है। कमाल का बैलेंस है इनका यार। अब आप सोचेंगे कि आखिर इन चट्टानों पे कर क्या रहे हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसा दुश्मन से बचने के लिए करते हैं और कभी कभी खाने पीने के जुगाड़ में भी। पथरीली खड़ी चट्टानों पर इनका इस तरह से बैलेंस बनाकर चढ़ना किसी भी माउंटेनियर यानी पर्वतारोही को हैरान कर देगा, है कि नहीं? कुदरत का करिश्मा ही कहिए इसे। जिस चट्टान पे इंसान अपना बैलेंस आसानी से नहीं बना सकता, उस पर ये भारी वजन का जानवर किस कदर बैलेंस बना लेता है।